वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे द स्टोन गॉडेस रिटन बाय श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो एक इंडियन पोएट थे और इनकी जो पोएम है द स्टोन गॉडेस, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए। अब डिस्कस करेंगे हम इसकी रिटन समरी। Introduction of the poet. The Stone Goddess was written by Sri Aurobindo. He was yogi, seer, philosopher, poet and Indian nationalist who talked about a philosophy of a divine life on earth through spiritual evolution. A poet जो है वो बात करते हैं अपने वर्क्स के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम श्री औरोबिंदो के वर्क्स में हमें स्पिरिचुअलिटी की बातें देखने को मिलती है। उनका मानना था कि इस धरती पर अगर डिवाइन लाइफ हमें मिल जाए, अगर हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए तो यहीं पर स्वर्ग बन सकता है। ये फाउंडेड श्री औरोबिंदो आश्रम इन 1926। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, देन द ह्यूमन साइकल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिम्बॉल एंड ऑन द वेदा। ये कुछ श्री औरोबिंदो जी के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम द स्टोन गॉडेस। द प्रेजेंट पोएम इज अ सोनेट। इट इज रिटन इन 14 लाइन्स. इट हैज अ राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी. द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग अराउंड द रीजन ऑफ बड़ौदा इन 1905. ये जो पोएम है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक सोनेट है जिसे 14 लाइन्स में लिखा गया है और इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी. ये पोएम जो है वो हमें बताता है, वो हमें बताती है पोएट का वो अनुभव जब वो बड़ौदा रीजन में ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने काली माता के मंदिर को विजिट किया था। उस टाइम पर उन्हें काली माता के साक्षात दर्शन हुए थे और वही एक्सपीरियंस उन्होंने इस पोएम के थ्रू शेयर किया है। देयर ही विजिटेड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस काली इन चांदोद ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, where he experienced a profound living experience of Kali manifesting before him. This experience was noted down in the poem The Stone Goddess. इस पोएम में उस अनुभव के बारे में लिखा गया है जब पोएट ने काली माता के मंदिर को विजिट किया और देखते ही देखते वो मूर्ति जो वो साक्षात काली माता में जब परिवर्तित हो गई तो वो एक्सपीरियंस पोएट ने इस पोएम के थ्रू शेयर किया है। समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम. इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट रेफर्स टू द टाउन ऑफ अ टेम्पल्स. पहले ही स्टांजा में पोएट जो है वो एक ऐसे जगह की बात करते हैं जहाँ पर ढेर सारे मंदिर है। ही टॉक्स अबाउट अ स्मॉल श्राइन वेयर ही सीज अ स्मॉल स्कल्पचर्ड स्टैचू ऑफ द गॉडेस काली. वो एक ऐसे छोटे से मंदिर की बात करते हैं, श्राइन मतलब मंदिर, जहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति जो है काली माता की गढ़ी हुई वो देखी. द पोएट एक्सपीरियंसेस दैट द स्टैचू हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिविंग बीइंग. पोएट अनुभव करते हैं कि वो स्टैचू जो है वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया है साक्षात देवी में. He feels that the sculptured statue has turned in a living presence looking at him. उन्हें एक क्षण में ही ऐसा महसूस होने लगता है कि वो मूर्ति जो वो साक्षात काली माता में परिवर्तित हो चुकी है जो उनकी तरफ देख रही है. He describes that thing as deathless and divine. It is a form that encompasses all things into it. पोएट कहते हैं कि वो जो फॉर्म, वो जो रूप मेरे सामने खड़ा था वो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर सकता है, इतना पावरफुल और मृत्यु से परे था और दिव्य था. इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट कॉल्स माँ काली एज द ग्रेट वर्ल्ड मदर एंड टॉक्स अबाउट हर पावरफुल विल. दूसरे स्टांजा में पोएट बात करते हैं, वो काली माता को विश्व माता के रूप में, महान विश्व माता के रूप में संबोधित करते और कहते हैं कि काली माता की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल है. हर एग्जिस्टेंस इज प्रेजेंट इन एवरी आर्ट, इन एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ. काली माता का जो अस्तित्व है वो हर पार्टिकल में, हर कण में मौजूद है धरती के. हर प्रेजेंस इज साउंडलेस, ऑलमाइटी एंड मिस्टीरियस. काली माता का जो सुपर पावर का जो प्रेजेंस है, अस्तित्व है, वो कैसा है? साउंडलेस है, ध्वनिहीन है, हमें इसकी आवाज़ नहीं आती. माइटी है, पावरफुल है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है. Though she is present everywhere, still her presence is unnoticeable. भले वो हर जगह मौजूद है लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व जो है वो, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता. The mother's great will is the silent, enigmatic, all powerful. अब ये जो ग्रेट काली माता है उसकी जो इच्छा शक्ति है वो कैसे शांत है, उसका कोई आवाज़ नहीं है, एनिग्मेटिक है, उदात्त है, ऑल पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है. विजिबल इन द डेजर्ट विंड एंड ओशन। और ये जो शक्ति है ये हमें कहाँ महसूस होती है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तेज बहती हुई हवाओं में और समुंदर में। द पोएट हियर इज रेफरिंग टू द डिवाइन इंटेंट इन द वर्ल्ड्स क्रिएशन। अब पोएट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो दुनिया का जो निर्माण हुआ है इसमें दिव्य शक्ति है या दिव्य इच्छा शक्ति है। इन द थर्ड स्टांजा द पोएट सेज दैट द ऑलमाइटी मदर हाइड्स हरसेल्फ। थर्ड स्टांजा में पोएट कहते हैं कि ये जो विश्व माता है ये अपने आप को छुपा लेती है। शी रिमेन साइलेंट, वो शांत रहती है। हर प्रेजेंस इज वॉइसलेस एंड मिस्टीरियस। उसका अस्तित्व कैसे बिना आवाज़ का है, मतलब वो हमारे आसपास है, हर कण में मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। उसका अस्तित्व जो है रहस्यमय है। शी रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस अंटिल आवर सोल हैज़ बीन यूनाइटेड विद द सुप्रीम सोल। वो हमारे लिए तब तक छुपी रहती है हमसे जब तक कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से एक रूप ना हो जाए। The secret of the great mother's existence can be unveiled only with the manifestation of God. और ये जो रहस्य है विश्व माता के अस्तित्व का ये तभी खुल सकता है, अनवेल हो सकता है, उस पे से पर्दा तभी उठ सकता है जब हमें ये आत्म साक्षात्कार मतलब परमात्मा का हमें दर्शन हो जाए। Once an individual achieves oneness with the divine, he can experience the existence of the great mother. एक बार अगर मनुष्य ये अचीव कर ले एक रूपता, डिवाइन एक रूपता, मतलब अगर परमात्मा के साथ में अगर आत्मा एक रूप हो जाए, ही कैन एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेट मदर, तो फिर ऐसा जीव जो है, ऐसी आत्मा जो है वो इस विश्व माता का अस्तित्व जो वो अनुभव कर सकती है। इन द कंक्लूडिंग लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्शिपर एंड द स्टोन स्टैचू। आखिरी दो लाइन्स में पोएट कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है उपासक में, जो पूजा करता है उसमें, और जिसकी वो पूजा करता है, जिस पत्थर की मूर्ति की वो पूजा करता है, उन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। वर्शिपर और पत्थर की मूर्ति, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओनली एन एनलाइटेंड सीकर कैन अंडरस्टैंड दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्शिपर एंड इमोबाइल शेप इज एक्सटीरियर। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा उपासक जिसने ये ढूंढ लिया है, जिसने ये समझ लिया है कि कोई फर्क नहीं है उपासक में और इमोबाइल मतलब मूव नहीं होने वाला आकार, स्थिर आकार जो है मतलब स्टैचू, उसमें जो फर्क हमें दिखाई देता है फ्लैश और स्टोन का वो एक्सटीरियर है, वो बाहरी फर्क है। द डिफरेंस ऑफ फ्लैश एंड स्टोन रिमेन्स अंटिल द इंडिविजुअल सोल यूनाइट्स विद द डिवाइन सोल। और ये फर्क जो है मांस और पत्थर का ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि आत्मा जो है वो परमात्मा से एक रूप नहीं हो जाती। एंड इट इज अ मिस्ट्री एंड ब्यूटी दैट कांट बी ड्रेप्ड इन एनी स्टोन और फ्लैश। और ये जो बात है, ये जो सत्य है, ये बहुत ही खूबसूरत है और रहस्यमय भी है, जिसे लपेटा जा सकता है किसी पत्थर में या फिर मांस में, सॉरी लपेटा नहीं जा सकता है किसी पत्थर या मांस में। कंक्लूजन में पोएट कहते हैं कि कंक्लूजन इस पोएम का ये होगा, द पोएम डिलीवर्स द मैसेज दैट टू फील द सुप्रीम पावर एन इंडिविजुअल मस्ट अटेन वननेस विद द डिवाइन सोल। इस पोएम का मैसेज क्या है कि इफ़ यू वांट टू फील द सुप्रीम पावर एग्जिस्टेंस अराउंड यू, इन यू, देन यू हैव टू अचीव द वननेस विद द डिवाइन सोल। तो ये था इस पोएम का रिटन एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।